हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने देखी द नाइट एजेंट, जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। इसमें 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड का रन टाइम लगभग 54 से लेकर 58 मिनट्स के बीच का है। सो ये एक लंबी सीरीज है और यही इसका छोटा सा ड्रॉबैक है। इसमें 10 एपिसोड से घटाकर 8 एपिसोड्स तक किए जा सकते थे, लेकिन जिन्हें एस्पिनाज थ्रिलर जॉनर एक्सप्लोर करना है, उनके लिए ये बेहतरीन बिगिनर फ्रेंडली स्टफ है। बिगिनर फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि ये एक सिंपल सीरीज है, इसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको मेट्रो बॉम्बिंग, साइबर थ्रेट्स, शेडी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, एक ऐसा मिस्टीरियस लीडर जो पेट्रियट भी हो सकता है और गद्दार भी मिलेगा। साथ ही साथ स्पाइस ऐड करने के लिए धनाधन गोली चलाती दादियां, चुराया गया बच्चा, नैनी कैंप में कैद, कुछ बेहतरीन सीक्रेट्स भी मिलेंगे। ये सीरीज इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि विद इन वन वीक नेटफ्लिक्स ने इसका सीजन 2 अनाउंस कर दिया है। सो आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है सीरीज़ के साथ, ये मैं आपसे भी शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर सकता है। सो बिल्कुल मत भूलिएगा लाइक करना। सो अबाउट दिस सीरीज द नाइट एजेंट, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो घर का भेदी लंका ढाए वाला केस चल रहा है। यूएस के व्हाइट हाउस में एक भेरूपिया है, मोल है, जो बड़ी खतरनाक प्लानिंग करके बैठा है, कुछ बड़ा गलत होने वाला है। इस शक की सुई बहुत से एजेंसीज के हेड हैं उनकी तरफ जा रही है। इसका खुलासा तब होने लगता है जब अचानक एक रात पीटर, जो नाइट एक्शन प्लान के तहत एफबीआई में काफ़ी लो ग्रेड के एजेंट हैं, वो बस फ़ोन रिसीव करने के लिए बैठे रहते हैं और जिस फ़ोन की घंटी कई सालों से बजी नहीं है, ये वो फ़ोन है जो एजेंट्स किसी डिस्ट्रेस में होते हैं वो कॉल करते हैं यहाँ पर, और ऐसी घंटी बड़े ही सालों से नहीं बजी है। सो पीटर बस पेपर वर्क करते रहते हैं और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, पास कर रहे हैं। इसका भी एक कारण है, पीटर के फादर का एक डार्क पास्ट है और उन्हें गद्दार घोषित कर दिया गया था, जिसे वो क्लियर नहीं कर पाए, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। सो इस जो क्लाउड की वजह से जो पीटर के चारों तरफ है, उसका प्रमोशन भी नहीं हुआ है, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और वो यहाँ पर बंधा हुआ है। अचानक फोन बजता है, फोन होता है रोज का, और रोज बताती है कि उसके अंकल आंटी को कुछ लोग मारने के लिए आए हैं और कोड उसके पास था, ये नंबर अंकल आंटी ने दिया और यहाँ पर उसने कॉल किया है। और इस टाइम के बाद, इस कॉल के बाद, रोज़ और पीटर की लाइफ इंटैंगल्ड हो जाती है। दोनों एक के बाद एक जगह बदलते रहते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, लाशें बिछती रहती हैं, और इसके बाद अगर मैंने ज़रा सी भी चीज़ें बताएं तो स्पॉयलर्स खुलने शुरू हो जाएंगे, सीक्रेट्स रिवील होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, डियाना फार, जो होंग चाओ कर रही हैं, जिन्होंने मेरा दिल द वेल में ऑलरेडी चुरा लिया था। यहाँ पर अगेन वो एक स्ट्रॉन्ग रोल में नजर आई हैं, बेहतरीन एक्टिंग करी है उन्होंने। जिन्होंने स्पाई थ्रिलर जॉनरे में बहुत सीरियस स्टफ नहीं देखा है, उन्हें तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर आप पहले ये सारी चीज़ें देख चुके हैं तो आपको देखी दिखाई लगेंगी। स्टिल जिस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं, वो आपको बांधे रखेंगी, एक्टिंग वाइज, स्टोरी वाइज, ट्विस्ट एंड टर्न वाइज मुझे ये सीरीज अच्छी लगी है। जो एक ड्रॉबैक है वो है इसकी पेसिंग, जो बीच बीच में स्लो हो जाती है, और इसकी लेंथ जो 10 से घटाकर 8 एपिसोड तक की जा सकती थी। और मैंने इस सीरीज को इंजॉय किया है, दो मैं बहुत सारे स्पिनॉफ थ्रिलर सीरीज और मूवीज देख चुकी हूँ, स्टिल मेरे लिए ये फन टू वॉच थी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।